हमारा टॉपिक है सर्दारी के प्रकार। सर्दारी के प्रकार दो घटकों के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, अवधि और दैत्यता। अवधि के में भी दो पॉइंट है, ऐच्छिक सर्दारी और विशिष्ट सर्दारी। दैत्यता के आधार पर भी दो पॉइंट है, सामान्य सर्दारी और सीमित सर्दारी। ऐच्छिक सर्दारी वह होती है जिसमें इसमें इस प्रकार की सर्दारी की रचना सर्दारी की इच्छा से होती है, यानी सर्दारों की इच्छा से सर्दारी को निर्माण किया जाता है। यह उस समय तक चलती है जब तक कि अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाता। या इसमें कोई भी या तो पहला साझेदार कोई नोटिस दे या फिर दूसरा साझेदार नोटिस दे, तो नोटिस दिए जाने पर यह समाप्त हो जाता है। और विशिष्ट साझेदार होता है कि साझेदार की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजना जैसे भवन निर्माण या फिर कोई और कार्य किया फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। जैसे जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए साझेदारी की गई थी या अवधि की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाता है। और यह हमारा दैत्यता के आधार पर है सामान्य साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित एवं संयुक्त होता है। साझेदारी को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है अथवा उनके कृत्यों से अन्य साझेदार तथा फर्म आबद्ध नहीं होता, यानी वो कोई भी काम करे तो उसे फर्म उस फर्म को नुकसान या फर्क नहीं पड़ता। इनका पंजीयन ऐच्छिक होता है। इनका पंजीयन अगर करवाया जाए ना करवाए मर्जी उनकी, फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु पागलपन आदि से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सीमित साझेदारी। इस साझेदारी से इसमें कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है तथा शेष साझेदारों का सीमित दायित्व होता है। और ऐसे साझेदारी सीमित दायित्व वाले साझेदारों की मृत्यु यानी सीमित साझेदारों की मृत्यु आदि से समाप्त नहीं होती है। सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग नहीं लेते। सीमित दायित्व वाले ही प्रबंध में भाग नहीं ले सकते तथा उनके कार्यों से फर्म और ना ही दूसरे साझेदार आबद्ध होते हैं। इनका पंजीयन अनिवार्य होता है, यानी सीमित साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य होता है।